मेरा कांग्रेस है हाँ। किस कांग्रेस अरे यार है? एक बचे हैं वो तुमने ना ग्रहण लगाए ग्रहण लगाए हैं ये लोग ग्रहण लगाए हैं है ना मैंने बहुत सारे लोग देखे कांग्रेस में लेकिन इतना मजबूत किला मैंने आज तक नहीं देखा और तुमको एक बात और कह के जा रहा हूँ सत्य निकलेगा सच निकलेगा देख लेना तुम मैं चुपचाप रहना तुम नहीं तय करने वाले हो मैं एक बात कह रहा हूँ तुमसे तुम डटे रहना जहां हो वही निष्ठा के साथ वक्त आएगा ठीक है ना तुम भी तुम भी कुछ बनोगे टिकट विकट मिल जाएगा तो लड़ लेना चुनाव है ना ठीक हाँ बोलो भैया जी आज कांग्रेस जो है साफ साफ कह रही है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना अधिकार जिसकी तो जितनी आबादी उसका उतना अधिकार तो आप सीधे सीधे गृह युद्ध की बात कर रहे हैं नब्बे परसेंट वालों को उनका हक दिलाना है तो मतलब सवर्ण कहाँ जाएगा इसका मतलब विपक्ष को सवर्ण का वोट ही नहीं चाहिए जवाब तो देना अरे कठिन प्रश्न कभी कभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए एक प्रश्न छोड़ सकते हो तुम यार <laughs> किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए अब ये दो छोड़ना चाहो छोड़ दो जरूरी नहीं है बिल्कुल जरूरी नहीं है हर प्रश्नों का जी जी मैं हाँ हाँ बोलिए मैं सरो समाज का जो दे रहा हूँ जवाब हाँ। मैं राजीव कुमार सिंह से आता हूं। जितना अधिकार जिसका है उसको सबको मिल रहा है और आगे मिलता रहेगा और हम लोग जुड़े हुए हैं केवल धर्म और राजनीति उसको ना करे। राजनीत न करे राजनीति ना की जाए पता नहीं कहाँ दिमाग था आपका सवाल क्या पूछा था और क्या जवाब आया जितना जिसकी जितना जिसका जो पता नहीं हाँ वो पता नहीं कहाँ पहुँच गए हाँ बोलिए सर मेन ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसका ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है ये कोई लो इसका नगर निकाय का चुनाव नहीं है हमें स्थिरता चाहिए हमें राष्ट्र की स्थिरता चाहिए स्थिर सरकार चाहिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्यात व्यवस्था चाहिए हमारा प्रधानमंत्री जो है वैसा ही प्रधानमंत्री चाहिए हमारे देश को बहुत ठीक ठीक धन्यवाद बात आपकी सुन लीजिए बोल रहे पहले दो हजार चौदह तक किन्हीं आसान प्रश्नों का उत्तर दीजिए तुम आसान वाले दो जरूरत वो तभी तो उलझाए वाले सवाल तुम उलझो ना हम भी छोड़ देते हैं यार नहीं देखिए 2014 से पहले तक पूरे लोग सुरक्षित थे अब 2014 के बाद से सबको खतरा लगने लगा कि खतरा है खतरा चुनाव जब आया कि सारा सब खतरे में है पूरा खतरे में नहीं था पूरा समाज सब सही चल रहा था आज भी चल रहा था मगर जब जब भारतीय जनता पार्टी आई है हिंदू मुसलमान के नाम से सब चुनाव लड़ती है और उन्होंने बताया था पीएल पुनिया का जो नाम ले रहे हैं बाराबंकी जनपद में 2009 में माननीय सांसद डॉक्टर पीएल एल पुनिया जी बने उन्होंने सबसे ज्यादा विकास करने का, का काम किया बाराबंकी में ओवरब्रिज चले जाइए बारा रेलवे की दो दो क्रॉसिंग पड़ती थी ओवरब्रिज बनाने का काम माननीय सांसद डॉक्टर पी पुनिया जी ने किया बंकी की रेलवे क्रॉसिंग अभी तक पड़ी है और दो क्रॉसिंग दो सांसद भी चुके हैं अभी तक नहीं बनाया बयालीस सौ अंधेरे में तो उसमें

250 का 174 करोड़ रुपए की कर, लागत से बनवाने का काम माननीय सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी ने किया सात किलोमीटर अभी भी बंद है का काम बचा है इनके दो सांसद रहे उसके बाद सात किलोमीटर बंदे का कार नहीं पूरा तुम यार सब पे भारी पड़ गए भैया जी पुल पुलिया ये बनते रहेंगे खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है युगों-युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है ये चुनाव आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का है दस साल जब सांसद थे यहाँ तो रेलवे स्टेशन बस बस स्टॉप पर बस आने की सूचना और ट्रेन आने की सूचना अप डाउन के साथ एक सूचना होती थी कि, कि किसी अनजान वस्तु को न छुए विस्फोटक हो सकता है आज पूरे देश में सुख शांति का वातावरण है हेमराज का सिर नहीं कलम हो रहा है माताएं अभय होकर टहल नहीं है शॉपिंग कर रही है और जब कोई कहता है कि आप इतनी देर में क्यों टहल रही हैं, तो वो कहते हैं आपको पता नहीं किसका शासन है अगले चौराहे पर उनका इंतजार कर रहे उत्तर प्रदेश की पुलिस तो ऐसे सुशासन विकास और आगे बढ़ता हुआ भारत जो भारत संपूर्ण दुनिया का मार्गदर्शन करेगा गुरु के रूप में खड़ा होगा 2024 में उसकी प्रस्तावना लिखेंगे क्या नाम है तुम्हारा एक मिनट भी स्वी। तो क्या, तो कर क्या कर रहे हो बेटा कह रहा हूँ क्या क्या कर रहे हो जी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ बोले दीजिए नौजवान है और बोले दीजिए बोलो बेटा मुझे सिर्फ चार मिसरे कहने हैं अरे वाह क्या बात है आ आ गया गया जी बोलो बोलो मैं ये कहना चाहता हूँ खाली सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है यह हिंदुस्तान बांटा जा रहा है हमें मंदिर और मस्जिद में लड़ा हमारा ध्यान बांटा जा रहा है आज नौकरी कहाँ है ये लोग कह रहे थे महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं इनके बाराबंकी के सांसद के भी कितनी वीडियो वायरल हुई है जवाब दीजिए इससे पूछिए जवाब दीजिए जवाब दीजिए जवाब दीजिए ये अभी उधर के वो उधर के लोग बोल रहे थे अभी अभी वो उधर के लोग बोल रहे थे कि इससे पहले ये होता था भारत तेरे टुकड़े होंगे हम जैसे जब तक हिंदुस्तान में मुसलमान जिंदा हैं तब तक किसी की औकात नहीं कि इस देश पे हमला कर दे या कुछ कर दे और दूसरी बात मैं एक चीज और कहना चाह रहा देश का, का कंपेयर पा... एक एक पाकिस्तान जैसे मुल्कों से करते अरे जिनका भूगोल इतिहास हम इकहत्तर में मिटा चुके उनके उनसे हमारा मुकाबला एक नौजवान है ठीक है बेटा बहुत साथ आ गया मुझे लगा कि मैं अब मुझे लगा कि मैं बाराबंकी में शो कर रहा हूं कह रहा जिनको तो मैंने उन्नीस में मिटा दिया उनसे मेरा क्या कंपैरिजन करते हो और पाकिस्तान को तुम क्यों लाते हो भाई हाँ आराम आराम बच्चा आराम से आराम से एक बच्चा है सवाल करता है जी बिल्कुल आराम आराम भैया जी गायत्री प्रजापति और नेताजी लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है राहुल गांधी जी मंदिर में लोग छेड़ने जाते हैं ये कैसे बयान है और आइटम ब... मैं अगर वो जा सकते तो जा आप भी सकते हैं सर यहाँ से बैठिए चुपचाप बैठिए अब उसको मैंने उसको मैंने दिया अब उसको नहीं। तो आप, आप उसको, उसको, उसको बहस नहीं करेंगे मिसबिहेव नहीं किया हाँ भैया जी डूबती आंखों में प्रेम ठहरे कहाँ डूबती आंखों में प्रेम ठहरे कहाँ वासनाओं का काजल है फैला हुआ सर्पणी ने सर्प से कहा नाथ आदमी हमसे ज्यादा बिसैला हुआ कौन भारत पाकिस्तान की बात कर रहा है शंकर अय्यर जी कहते हैं कि उनके यहां आइटम बम रखे हैं तो तुम्हारे यहां रखे तो हमारे यहां भी रखे हैं हम वो संस्कृति हैं जो सर्वे भवन सुखना की बात करते हैं सर्वे संत निरा की बात करते हैं भारत किसी पर अटैक नहीं करेगा लेकिन भारत पर कोई अटैक करेगा तो भारत हाथ बांध कर नहीं बैठेगा ठीक बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात एक दो सवाल और उसके बाद प्रोग्राम खत्म क्या नाम है तुम्हारा है? क्या नाम सिया मिश्रा सिया तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और यहां पे तो कोई अच्छी बातें हो नहीं रही थी जो तुम देखो और ना किसी ने बहुत अच्छी बातें करी नहीं बा, भाई साहब एक बात सुनिए मेरी ये ये बच्चा है और बच्चे को बचा के रखना चाहिए हमारा भविष्य है कहा है के लिए एक्सपोज करना है इसको अरे अभी तो ये देश का मुस्तकबिल है ये ये प्रधानमंत्री बनेगी कहा इसको छोटे प्रोग्राम में लेके आते हैं ना ना ना, ना 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 ये बच्चों का प्रोग्राम क्या हुआ क्या हुआ वसीम भाई वसीम भाई बोलेंगे वसीम भाई आप उठ गए हैं बोली देखिए कांग्रेस पार्टी जो आज गठबंधन हुआ है समाजवादी और कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पसमानदा मुसलमानों को दलित से बदतर हालत में पहुंचाया है आर्टिकल 341 पे पर पाबंदी लगाकर जिस तरह से मुसलमानों का इतना बुरा हाल किया है उन्हीं के बनाए हुए आयोग सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी कि की ने ने समाजवादी पार्टी और दोनों एक है। पार्टी मुसलमानों का वोट लेती रही लेकिन आज तक राज्यसभा जाने का मौका नहीं ठीक आपको बोला आखिरी आखिरी है कोई नहीं बोलेगा जी आप बोलेंगी हंड्रेड परसेंट आप इसके अलावा कोई बोलेगा भी जी

यहाँ मैं इतने देर से सुन रही थी ऐसा लग रहा था जैसे अभी सबको यहीं पर सारे प्लेटफॉर्म भी मिल जाएंगे और रोजगार भी मिल जाएगा रोजगार सबको करना है वेतन के लिए काम किसी को नहीं करना है सरकारें बनानी है अपनी सुख सुविधाओं और भौतिक सुविधाओं के लिए लेकिन उन सर अभी कांग्रेस यहाँ के चौराहे पर पैसा फेंकना शुरू कर दे बीजेपी के लोग भी बटोरना शुरू कर देंगे बीजेपी <laughs> के फेंकना शुरू कर दें कांग्रेस के बटोर मैं मैं एक बात गए, मैं 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 मिनट 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 पिन ड्रॉप साइलेंस नाम आपका भूल गया बाला बातें बालाजी नहीं मैं नहीं बालाजी अगर आप अंदर नहीं आई तो शो तो मैं खत्म करके जा ही रहा हूं कोई नहीं बोलेगा नहीं आप यहां आएंगी और जोरदार ताली बजाइए इनके लिए क्या बात है मुझे मालूम बात तभी मैं आपको यहां लेके आया हूं बात पूरी कैसे हो जाएगी क्या बात कर रही कहा आप रहने वाली कहा की है मैं MP, MP में से ग्वालियर ग्वालियर से मैं समझ गया ये भिंड के आस पास कई खून है इसके अलावा हो भी नहीं सकता था जी बहुत बहुत स्वागत है दूसरा संशोधन संविधान संविधान बनाने वाले ने उस समय बहुत मेहनत की है आप दस पेज बनाकर बताइए किसी चीज पर जिसमें व्यवस्था सालों साल सही चले एक संशोधन लगभग अभी हो चुके इसलिए नहीं हुए इसलिए संशोधन नहीं हुए कि संविधान खराब था संशोधन बदलाव करता है, कर है उपस्थित लेकिन उन्होंने पन्ने को खत्म नहीं किया लाइने बढ़ती चली जा रही हैं संशोधन होते चले जा रहे हैं तो हम लोग अपने अंदर बदलाव क्यों नहीं करते आपसे मुझे बदलाव चाहिए मैं अपने बारे में बताऊं कि रोजगार उन्नीस में 2001 में जो वातावरण था वहाँ पर मेरी ढाई सौ सैलरी थी और वो मेरे लिए पर्याप्त थी आज 2024 में चालीस हजार सैलरी है वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि मैंने अपने भौतिक संसाधनों का बढ़ावा बना दिया है क्या बोलती है आप तो गजब वर्ग होता है उसको इनको मिले ना मिले तुमको तो हम नहीं मिलने देंगे इनको टिकट मिले ना मिले हम ऊपर वाले की कसम खा के कहते हैं। तुमको टिकट नहीं दिलवाएंगे बड़ो। <laughs> बहुत अच्छा बोलती है। मैं आपको बताऊं अमीर वर्ग जो होता है जब वो हॉस्पिटल जाता है यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है ट्रॉमा सेंटर नहीं है क्यों चाहिए आपको थोड़ा कम खाइए ना कम खाने से कभी बीमारी नहीं होती नहीं लेकिन देखिए हॉस्पिटल तो होनी चाहिए हॉस्पिटल होने चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आज आप चलने दो भाई अब बहुत टाइम हो गया घड़ी दो बार इशारा कर चुकी है मुझे इधर बोलो जल्दी बोलो ये भाजपा के प्रवक्ता से इतना पूछना चाहूंगा कि अभी एक विजय रूपाला है सांसद उन्होंने छत्रियों को लेके एक बहुत ही गंदा बयान दिया है, है? बहुत ही गंदा बयान दिया है ठीक है ठीक है तो उनका टिकट काटा गया है उनका टिकट भी नहीं कटा है मतलब उन्होंने इतना गंदा बयान दिया है की शायद तुम बार बार हमें बालू है जी तो करनी, करनी करनी सेना के जो अध्यक्ष थे क्षत्रिय समाज के उनकी पगड़ी तक उन्होंने उछाल दी उसको लेके उसको ले